हरियाणा में पूरे देश में हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने वाले लोग सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन आपसी भाईचारा इससे कम हो रहा है। वहीं दूसरी ओर शिवपुरी के खनिया थाना में सांप्रदायिक सौहार्द व हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की मिसाल पेश करते हुए खनिया थाना के मिश्रा खान पिछले 40 वर्षों से एक मुस्लिम परिवार प्रतिवर्ष दशहरे के दिन दहन किए जाने वाले रावण का पुतला तैयार करता है और अपने पूरे खर्च पर निस्वार्थ भाव से बिना कोई पारिश्रमिक लिए खनिया थाना कस्बे के बस स्टैंड पर स्टैंड कंडक्टर की भूमिका निभाने वाले मिस्टर खान का ये कार्य 40 साल से वो करते आ रहे हैं। रावण बनाने के साथ ही नवरात्रि के पावन पर्व पर खनिया थाना में होने वाली रामलीला में भी मिस्टर खान अलग अलग तरह के अभिनय करते हैं। खास बात यह है कि पिछले साल जब खान हज यात्रा पर गए थे तो दशहरे में रावण बनाने का संकट खड़ा हो गया था। इस पर पिताजी की परंपरा ना टूटे तो उनके पुत्र अनवर खान ने आगे आते हुए पिता की विरासत संभाली और 40 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया था। मिस्टर खान के पुत्र अनवर खान एक मोटरसाइकिल मैकेनिक है और मिस्टर खान बुजुर्ग होने के कारण उतना काम नहीं कर पाते, जिसके बाद अनवर खान ने 50 फीट लंबा पुतला बनाकर दहन के लिए तैयार कर लिया है, जिसको आज बुराई पर अच्छाई के महापर्व पर दहन किया जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम अनवर खान। तो जो रावण बनाते चले आ रहे हैं आप, देख कितने वर्षों से ऐसा देखते आ रहे हैं और रावण बनाने का आपके मन में? कम नहीं तो 20 साल से तो देखता चला आ रहा हूँ। और क्या क्या कैसे प्रेरणा ली आपने रावण निर्माण करने की? पापा बनाते रहते थे घर पे तो देखते रहते थे, और जब पापा जी हज पे गए तो फिर सब लोग बोले अब कैसे बनेगा हमारा रावण, तो हमने कहा दिक्कत टेंशन नहीं लो मैं बना दूंगा। अच्छा, लोगों का ऐसा कहना है कि आप मुस्लिम हैं और फिर भी आप हिंदुओं के फेस्टिवल में, और हिंदू मुस्लिम क्या ले आया, वो तो ये चली आ रही है परंपरा, और ये परंपरा आप जिंदा रखेंगे आगे? हाँ बिल्कुल। चाचा, जो आप रावण बनाते चले आ रहे हैं खनिया थाना नगर के लिए विशेष रूप से, और आपके रावण की पूरी जनता तारीफ भी करती है, और आपको कैसे प्रेरणा लगी इस रावण निर्माण के लिए? साहब, मैं कम से कम 15-16 साल का था तो अपने मोहल्ले में बनता था, पहले हमारे वो लोग बनाते थे तो मैं देखता रहता था, उन्हें बन देता रहता था, अब वो मैं सीख गया तो आज मुझे 40 साल हो रही हैं साहब बनाते बना, और पाठ भी करता हूँ रामलीला। हमारे दरवाजे के सामने होती थी रामलीला, जब किले के सामने होती थी रामलीला तो मैं पाठ भी करता था उसमें, कोई सा भी पाठ, और तैयार है उसमें। ये तो सब एक वो है साहब, राम और रहीम सब एक हैं। कई रामायण भी बताती है कि ताय विद रखे राम सो ताय विद रहिए, और ऐसा ही अल्लाह का नाम है, सब एक ही है साहब, है सब हिल मिल के काम रखना चाहिए, सब में जरा शांति रखो, बढ़िया काम करो, सब भाइयों के गले लगो, जब तो है ये जिंदगी, और नहीं अपन ने सोचा अपना सोचा तो कुछ नहीं होता, भाग करें सब काम। और अभी कुछ समय पहले आप हज पे गए थे? जी हाँ। और फिर रावण की एक समस्या खड़ी हो गई थी कि रावण का निर्माण कौन करे, फिर हाँ मैं जब हज पे गया था ना तो उस सब दशहरा यहाँ था, तो देखिए अच्छे काम में कोई वो नहीं है, चोरी चपाटी इनमें तो साले बहुत है, ये काम अच्छा है, धर्म का काम करो, मंदिर का काम कौन सा मुसलमान नहीं करता है, मुझे ये बताई, मंदिर मस्जिद सब एक ही है, वो श्रृंगार उसी में कर रहा है, वो इसी में कर, जो बढ़िया सोच बनाना चाहिए इंसान को। अब हमारे खनिया थाने में तो सब हिंदू मुस्लिम सब एक है, हमारे मुहर्रम वो निकलवाते हैं, हम उनकी माताएँ निकालते हैं मूर्ति वगैरह, स्वागत भी करते हैं, वो हमारा स्वागत करते हैं, और हमारे खनिया थाने में तो सब बढ़िया जोर जोर से निकलता है सब, और अच्छी तरह से मनाए जाते हैं। आने वाले समय में आपके बाद ये विरासत कौन संभालेंगे? देखो साहब, अभी तक तो मेरे हाथ नहीं चले थे, अब के इस साल तो मेरे हाथ और मुझे हाथ में उतनी वो नहीं रहती है, और ना झुक पाता हूँ इतना, ना कर पाता हूँ, जो बच्चों से अभी मैंने करवाया बताया है, इसलिए क्यों अब मेरी उम्र ऐसी हो गई है, जरा के जरा निगाह भी कम है। ये परंपरा ऐसा माने कि ये परंपरा आपके बच्चे भी आगे बढ़ाएंगे? अब देखो बच्चे आजकल के तो साहब, देखो बच्चे तो जो है कि अपने धंधे में मशहूर हो जाते हैं कभी कभी, है कि नहीं, तो बच्चे को अगर बाहर चला गया तो फिर आफत आ जाती है बनाने क्या, तो बनाओ से शुरू से बनाना पड़ता है नहीं, बीच में धरा छोड़ो वो तो बेकार है काम, और नहीं फिर आप मंडली से कह देते हैं हमारी क्या, अब देखो ऐसा काम है हम लड़के दो जो जो हम बता दे जाएंगे जब तक अपन जिंदा हैं। अच्छा, आप धर्मों के बारे में और आपने मुस्लिम समाज के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे इससे? सब मुस्लिम समाज ये थोड़ी कहती है तुम बनाओ नहीं,
सब कहते हैं वो तो भैया धार्मिक है, उनके बाजे आ रहे हैं।